बिल्कुल अभी जानकारी मिली है, क्योंकि मैं तो इधर विधानसभा में थी, पर मेरे लोगों के द्वारा पता चला है कि वहाँ पे आंगनबाड़ी भवन है, वहीं पर ही गांव के निकासी के नाला है जो बहुत बड़े नाला है, उसमें बच्चे खेलते खेलते गिर गया और बह गए। तो इसके लिए मैं पूरी जिम्मेदार, वहाँ पे हमारे रहते हैं जो बच्चों की सुरक्षा देखभाल करने वाले आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है, सहायिका है, या वहाँ के प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की नहीं दिए, इसलिए आज ये घटनाएं हुई है। क्योंकि इतनी बड़ी नाला और बरसात जो लगातार अभी 2-4 दिन से पानी गिर ही रहा है, तो उसमें हमारे जिला के शासन को ध्यान देना चाहिए था और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और मैं यहाँ सरकार बैठी उनसे भी कहना चाहूँगी कि ऐसे इस तरह की बहुत से संस्थाएं हैं, आंगनबाड़ी भवन हैं, आपके स्कूल हैं और आपके और कई संस्थाएं हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते कूदते हैं, तो वैसी जगहों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तो मैं इसको इस दोस्त हमारे पूरा प्रशासन जिला में बैठे अधिकारियों को भी देना चाहूँगी और सरकार को भी कि आज वो लड़का जो ख़त्म हुआ या बह गया है उसके परिजन के ऊपर जो बीत रही है उसकी जिम्मेदार शासन को ही मानती है।